वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले समय च देश दे कानून जिसने सानू न्याय नहीं दिता सिखा नू उस दे लई अपने हक्कां दी संघर्ष लड़न लई कौमी योध्या ने वड्डे वड्डे कहदे हुंदे आ संघर्ष लड़े इत्थों दीआं सरकारां दे नाल टक्कर लई ते इत्थों दे न्याय पालकां ने सिखां नू आपदे कानून दे मुताबक उन्हां नू दोष दे के जेलां विच बंद कर दिता। पिछला समा सारे दुनिया जाणदी आ कि बंदी सिंह जिहड़े कि सिखां दीआं भावनां नाल जुड़िया मामला उन्होंने दुगड़िया दुगड़िया सजावं जिन्या उन्होंने मिली उस तो वड्डी सजावं भुगत चुके ने। उन्होंने बारे में सिख जिहड़े आ इस गल आवाज़ बुलंद करते सो खास तौर पर सिखां दी जमात जिहड़ी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी अपना बनता फर्ज समझदी हुई बंदी सिंघां दी रिहाई ते उन्हां दे नाल जिहड़े संबंधित केसां लई अदालती जिहड़ी आ जिन्ना भी कारवाई वह मुड़ तों करदी आ रही है उन्हां दे परिवारां दे नाल उन्हां दे जेलां दे विच उन्हां दी सहायता। सो उस काम नूं लै के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय देश दे राष्ट्रपति देश दे प्रधानमंत्री गृहमंत्री तक इस गल लई चिट्ठियां पा के समा मंगण दी गल कीती पर क्योंकि मंशा जिहड़ी साफ ना होण करके उन्होंने समा नहीं दिता। उस तो बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों दिल्ली विच सरकार नूं जगाउण लई इस बंदी सिंघां दी रिहाई लई एक मुहिम छेड़ी गई। सारे पंजाब दे अंदर किना जिला लैवल ते बंदी सिंघां दी रिहाई लई एक मुहिम छेड़ी गई ते उस तो बाद हर सिख ते हर परिवार ते हर घर दे विचों बंदी सिंघां दी हमायत वास्ते एक दस्तखती मुहिम एडवोकेट हरिंदर सिंह धामी प्रधान साहब की अगवाई में आरंभ की गई जिन्हों बहुत बड़ा हुगारा मिलिया जिस का समर्थन जड़ा वा मैं समझना कि इस दुनिया के उत्ते किना एक जिहड़ी मुहिम गिनी जाए उस मुहिम के सब तो बड़ा समर्थन किया जा सकता 25 लाख परिवारों वालों ये जड़ा समर्थन दिता गया 25 लाख तो ज़्यादा ही होंगे। सो वो जिहड़े परफॉर्मे भरे गए जिन्हां विच सिखां ने अपनियां भावनां प्रगट कीतियां ते इस देश नूं इस देश दी साडे नाल वतीरे नूं चुनौती दित्ती आ। सो पिछले समय च इस गल दा ऐलान होया सी कि जिहड़ी जिहड़ी विसाखी है 2023 दी उस विसाखी तक ये जिहड़ी मुहिम चलेगी। उस तो बाद एक फैसला किया गया श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि आ जिहड़ी आने वाली 27 अप्रैल है ये 27 अप्रैल नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे वड्डा इकट्ठ करके सिंह साहिबान की मौजूदगी पंथक जथेबंदियों की मौजूदगी प्रधान एडवोकेट हरिंदर सिंह धामी की अगवाई में एक वफद जिहड़ा वो पंजाब के गवर्नर नूं मिलन जा रहा जिहड़ा कि इन्हां सिख 25 लाख तो वध परिवारां दीआं भावनावां जिहड़ियां उह उन्हां नूं जिहड़ियां कि सौंपण जा रहा। सो ये प्रोग्राम जिहड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों उलीकिया गया तो ये इस गल का प्रतीक है कि इस लोकतंत्र के अंदर सिखां नाल हो रहे वितकरे की मूँह बोल की तस्वीर है। सो वड्डे पद्धर ते जिहड़े आ समागम अकाल तख्त साहब ते होण तो उपरंत प्रधान साहब की अगवाई में एक वफद जिहड़ा वो 27 तरीक न जिहड़े बनवारी लाल पुरोहित जिहड़े कि गवर्नर ने इस पंजाब दे उन्हां नूं मिलन वास्ते जा रहा। सो समुचे जिथे गुरु नूं अरदास है उत्थे समुचे मानवता दे भले लई अते लोकतंत्र नाल प्यार करन वाले लोगों नूं असीं मुड़ तों अपील करदे हां कि जिस तरह ये 25 लाख परिवारों ने यह हमदर्दी का प्रगटावा किया उत्थे ह्यूमन राइट्स जथेबंदियां ते इस देश दे अंदर न्याय की लड़ाई लड़न वाले लोगों नूं असीं अपील करदे हां कि ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਪਰਤਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
जिहड़ी अपना बनदा फर्ज समझदी हुई बंदी सिंघां दी रिहाई ते उहनां दे नाल जिहड़े संबंधित केसां लई अदालती जिहड़ी आ जिन्ना भी कार्रवाई वह मुड़ तो करती आ रही है, उन्होंने परिवारों के नाल उन्हां दे जेलां दे विच उन्हां दी सहायता। सो उस काम नूं लै के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय देश दे राष्ट्रपति देश दे प्रधानमंत्री गृहमंत्री तक इस गल दी चिट्ठियां पा के समां मंगण दी गल कीती, पर क्योंकि मंशा जिहड़ी साफ ना होण करके उन्होंने समां नहीं दिता। उस तो बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों दिल्ली विच सरकार नूं जगाउण लई इस बंदी सिंघां दी रिहाई लई इक मुहिम छेड़ी गई। सारे पंजाब दे अंदर किना जिला लैवल ते बंदी सिंघां दी रिहाई लई इक मुहिम छेड़ी गई ते उस तो बाद हर सिख ते हर परिवार ते हर घर दे विच्चों बंदी सिंघां दी हमायत वास्ते एक दस्तखती मुहिम एडवोकेट हरिंदर सिंह धामी प्रधान साहब की अगुवाई विच आरंभ की गई, जिन्हों बहुत बड़ा हुगारा मिलिया, जिस का समर्थन जड़ा वा मैं समझना कि इस दुनिया के उत्ते किना एक जिहड़ी मुहिम गिनी जाए उस मुहिम दे विच सब तो बड़ा समर्थन किया जा सकता। 25 लाख परिवारों वालों ये जिहड़ा समर्थन दिता गया 25 लाख तो ज़्यादा ही होणगे। सो वो जिहड़े परफॉर्मे भरे गए जिन्हां विच सिखां ने अपनियां भावना प्रगट कीतियां ते इस देश नूं इस देश दी साडे नाल वतीरे नूं चुनौती दित्ती आ। सो पिछले समय च इस गल दा ऐलान होया सी कि जिहड़ी विसाखी है 2023 दी उस विसाखी तक ये जिहड़ी मुहिम चलेगी। उस तो बाद एक फैसला किया गया श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि आ जिहड़ी आने वाली 27 अप्रैल है ये 27 अप्रैल नूं श्री अकाल तख्त साहब विखे वड्डा इकट्ठ करके सिंह साहिबान की मौजूदगी पंथक जथेबंदियों की मौजूदगी प्रधान एडवोकेट हरिंदर सिंह धामी की अगवाई में एक वफद जिहड़ा वो पंजाब के गवर्नर नूं मिलन जा रहा जिहड़ा कि इन्हां सिख 25 लाख तो वध परिवारां दीआं भावनावां जिहड़ियां वह उन्हां नूं जिहड़ियां कि सौंपण जा रहा। सो ये प्रोग्राम जिहड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उलीकिया गया वो ये इस गल का प्रतीक है कि इस लोकतंत्र के अंदर सिखां नाल हो रहे वितकरे की मूँह बोल की तस्वीर है। सो वड्डे पद्धर से जिहड़े आ समागम अकाल तख्त साहब ते होण तो उपरंत प्रधान साहब की अगवाई में एक वफद जिहड़ा वह 27 तरीक नूं जिहड़े बनवारी लाल पुरोहित जिहड़े कि गवर्नर ने इस पंजाब दे उन्हां नूं मिलण वास्ते जा रहा। सो समुचे जिथे गुरू नूं अरदास है उत्थे समुचे मानवता दे भले लई अते लोकतंत्र नाल प्यार करन वाले लोकां नूं असीं मुड़ तों अपील करदे हां कि जिस तरह ये 25 लाख परिवारां ने यह हमदर्दी का प्रगटावा किया उत्थे ह्यूमन राइट्स जथेबंदियां ते इस देश दे अंदर न्याय की लड़ाई लड़न वाले लोगों को असीं अपील करदे हां कि साढ़े इस संघर्ष में जिहड़ा कि लोकतंत्री ढंग नाल इहदे च वध चढ़ के सहयोग करन तां कि जिहड़े इस देश दे कानून ने सज़ा देण तो बाद दुगुणियां सज़ावां भुगत चुके बंदी सिंह रिहा होकर घरे परतन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।